चुनाव आयोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्क है, तो वही 2022 विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी प्रत्याशी नुक्कड़ सभाएं नहीं करेगा और सभाओं के साथ साथ भीड़ को एकजुट नहीं करेगा। मात्र एक गाड़ी में चार लोगों के साथ प्रचार प्रसार केवल गलियों में मतदाताओं से डोर टू डोर अपील करते हुए किया जाएगा। लेकिन जनपद मैनपुरी के भोगांव विधानसभा 108 से चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री चुनाव आयोग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे, तो वही आबकारी मंत्री क्षेत्र के ग्राम नगला शीशम में नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आए। नुक्कड़ सभा के दौरान ना तो मंत्री मास्क लगाए हुए थे और ना ही उपस्थित जनसमूह। जब मीडिया ने मंत्री जी से कोरोना गाइडलाइन की बात की तो उन्होंने भी स्वीकार करते हुए कहा कि मैं भी लगातार जनता से अपील करता हूं, लेकिन जनता है मानने को तैयार नहीं। आगे नुक्कड़ सभा से पहले इसकी तैयारी रखी जाएगी। उतारा जाएगा आपके विरोध में एक भी आपकी पार्टी के बंदा टूट के आपको बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है अशोक चौहान, लड़ने दो। वो तो पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था उनको। पंचायत चुनाव के समय वो घोषित प्रत्याशी के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़े थे, उन्हें उसी समय निष्कासित कर दिया गया। जनता से क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको, आप जा रहे हैं क्षेत्र में किस तरीके में? जनता का पूरा आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद पूरा है। जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और मैंने जो 5 साल में सेवा की है उस सेवा से प्रभावित है। आयोग ने कोविड की गाइडलाइन को लेकर काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए हैं, आपके सभा में देख रहा हूँ कोई भी मास्क नहीं लगाए। कोविड की गाइडलाइन का पालन करना सबको जरूरी है, मैं कहता भी हूँ हर जगह भाई कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। और 5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, माता बहनों का सम्मान, इन सब बातों को लेकर दोनों सरकारें जन जन की सेवा करने का काम। आज हमारे गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, तिरपाल में रहते हैं, छप्पर में रहते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को देश के अंदर पक्के मकान मिल गए, और तब तक ये काम जारी रहेगा जब तक एक एक गरीब को पक्का मकान मिल नहीं जाए। आज गैस के कनेक्शन मिल रहे फ्री, चूल्हा सिलेंडर रेगुलेटर, और तब तक ये योजना चालू रहेगी जब तक एक एक परिवार को गैस का कनेक्शन।